एवरीबडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर, और जो आज मैं आपको विषय लेके आई हूँ वो हम सबका कर्तव्य है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन हमें हर रोज़ अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है। और ये मानना है कि केवल 5 जून नहीं बल्कि हर रोज़ पर्यावरण दिवस है, अपनी प्रकृति की रक्षा करनी है, तभी हम आने वाली भावी पीढ़ी को कोई जवाब दे पाएंगे। तो आज जो स्लाइड्स में लिखा है उसके अलावा मैं बहुत सारी आपको नॉलेज दूंगी, तो प्लीज़ आप अंत तक वीडियो तक बने रहिए और आपको बहुत सारी नॉलेज आज मिलने वाली है, और एक ऐसी नॉलेज जो व्यवहारिक रूप से हमारे हमेशा काम आएगी। तो मैं पहले आपको शुरुआत करना चाहती हूँ कि जब वृक्ष भी एक व्यक्ति की समान ही है, वो हमें क्या कर रहा है, जीवन देने का काम कर रहा है। तो कह सकते हैं कि एक वृक्ष जो होता है एक बेटा बेटी के समान होता है। एक बेटा बेटी तो अपने केवल माता पिता की देखभाल करते हैं, लेकिन एक वृक्ष पता नहीं कितने लोगों की देखभाल करता है, कितने लोगों को वर्षा से धूप से बचाता है, कितने लोगों को भरण पोषण करने में सहायता देता है। जब हम उसी को काट रहे हैं तो हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का घोतक है। जैसे जैसे वृक्ष बड़े हो रहे हैं, ट्री बड़े बड़े होते हैं, वैसे वैसे हमारी प्रोग्रेस होती है, हर कंट्री की प्रोग्रेस होती है। तो एक वृक्ष को जब हम काटते हैं तो उसका क्या दर्द होगा, पहले मैं आपको पर्यावरण दिवस पर वो बताना चाहूँगी, ताकि आप उस दर्द को महसूस करें। और विश्व पर्यावरण दिवस तभी माने में सक्सेसफुल होगा जब हम क्या करें, किसी एक भी पेड़ की रक्षा कर पाए, तभी ये दिवस हमारे लिए मनाने में सफल माना जाएगा। तो आज पहले मैं दर्द बताना चाहती हूँ ये अपनी कविता के माध्यम से। ये कविता मेरी स्वरचित कविता है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं, मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। एक वृक्ष की व्यथा, क्यों मुझे काटते चले गए, मेरा क्या कसूर था, क्यों मुझे दी इतनी पीड़ा, मेरा क्या कसूर था। मेरे वृक्ष पे हजारों चिड़ियों के घोंसले थे जिनको तुमने बेघर कर दिया, मेरी छाया में हजारों राहीगर बैठकर सुस्ता लिया करते थे, क्यों मुझे काटते चले गए, मेरा क्या कसूर था। कभी धूप से कभी बारिश से उन अनजान पथिक को आराम मिल जाता था, क्यों मुझे काटते चले गए, मेरा क्या कसूर था। क्यों मुझको इतना दर्द दिया अपना आशियां बनाने के चक्कर में, क्यों मुझको इतना दर्द दिया अपना आशियां बनाने के चक्कर में, मेरा अस्तित्व ही छीन लिया, क्यों मुझे काटते चले गए, मेरा क्या कसूर था। तो एक वृक्ष का दर्द है जिसको हमने कविता के माध्यम से समझा, ये मेरी स्वरचित कविता है। और अब मैं बताना चाहूँगी कि विश्व पर्यावरण दिवस की 2021 की थीम क्या है, फिर मैं आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताऊंगी। तो 2021 की जो थीम है वो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली है कि, और जो 2021 का जो देश है, हर बार किसी अलग अलग देशों को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेज़बानी दी जाती है। तो इस साल 2021 में पाकिस्तान विश्व पर्यावरण दिवस को वैश्विक रूप से क्या कर रहा है, मेज़बानी कर रहा है। तो इस साल पाकिस्तान को मौका मिला है, तो हर साल अलग अलग देशों को दिया जाता है ताकि वो वर्ल्ड लेवल पर क्या कर सकें, इस दिन को मनाया जा सके और लोगों को अवेयर किया जा सके। तो इसका उद्देश्य 2021 में जो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है, इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव नहीं है, आप नेचर के बिना हमारी ह्यूमन लाइफ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पेड़ पौधे, जंगल, नदियाँ, झीलें, ज़मीन, पहाड़ सब ज़रूरी हैं। अगर ये सब ना हो तो आपका ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। तो पहली बार इस दिवस को मनाने का जो फैसला था 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद लिया गया था। तो 1972 में यूनाइटेड नेशन ने स्टॉकहोम में स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। 1972 में 119 देशों ने भाग लिया, आप ध्यान रखेंगे 1972 में 119 देशों ने भाग लिया। और इसी सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ उसी समय 1972 में। और पहली बार
एक पृथ्वी के सिद्धांत को मान्यता दी गई कि जो पूरा अर्थ है उसके प्रिंसिपल को रिकग्नाइज किया गया 1972 में। और 5 जून उसके बाद ये 5 जून से लेकर 16 जून तक यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में चर्चा लगातार बनी रही। जो जनरल असेंबली है यूएनओ का जो पार्ट है वहाँ पर जनरल असेंबली में लगातार चर्चा होती रही, डिस्कशन होता गया। और उसके बाद निर्णय लिया गया कि हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और जो 1974 की थीम थी ओनली ऑन अर्थ, केवल एक ही पृथ्वी, पूरे अर्थ केवल एक ही पृथ्वी है और हम सब लोग वहाँ के निवासी हैं, इस संकल्प के साथ पर्यावरण दिवस को मनाया गया था। तो कीप काम एंड प्लांट, तो लोग हम शांत रहें और प्लांट को क्या करें, प्लांट लगाएं, यही एक ऑब्जेक्ट लेकर शुरुआत की गई। तो अगर भावी पीढ़ी को कोई उपहार देना है तो वृक्षों से ज़्यादा कोई अनमोल उपहार नहीं हो सकता। आज जो भी देश में संकट की स्थिति आई, अगर पर्यावरण में पर्याप्त मात्रा में पौधे होते तो शायद स्थिति कुछ दूसरी होती। जब जब प्रकृति के साथ कहते हैं कि छेड़छाड़ हुई है, तब तक कोई ना कोई भयानक दुष्परिणाम आया, बहुत अपनों को खोया है और ये दर्द शायद आजीवन बना रहेगा। तो क्यों ना हम संकल्प लें कि हमें भावी पीढ़ी को बचाना है और पौधों को लगाना है। ये आज का हमारा संकल्प होगा कि भावी पीढ़ी को बचाना है और पौधों को लगाना। तो भावी पीढ़ी कब से कैसे बच पाएगी, जब हम पौधों को पर्याप्त मात्रा में लगाएंगे। तो ये मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बताई और 2021 की मैंने आपको थीम भी बता दी। और थीम का मतलब भी बता दूं कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है उसका एग्जिस्टेंस में नेचर पे ही पूरा तरीके से डिपेंड है। एक हेल्दी और सेफ्टी इन्वायरमेंट के बिना ह्यूमन लाइफ की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। हम सबको नेचर को बचाने के लिए एक संकल्प लेना है, एक प्रॉमिस करना है कि साल में कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं, उसे बचाएं और पेड़ पौधों के प्रोटेक्शन के लिए काम करें। केवल नाम मात्र से नहीं कि हम एक दिन, हर रोज़ उस जिस पौधे को हम लगा रहे हैं उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह अपने पुत्र पुत्री की देखभाल करते हैं उस तरह उस वृक्ष की देखभाल करें। तो तालाब जो नदी हैं पोखरे हैं उनको प्रदूषित नहीं करें, जल का मिसयूज़ नहीं करें, इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल के बाद बंद कर दें। बिजली का जो अनावश्यक उपयोग हो उसे मत बंद करें। इस्तेमाल के बाद क्या करें, बल्ब है, पंखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जितने भी डिवाइस हैं उन सबको बंद कर दें। कूड़े और कचरे को डस्टबिन में फेंकें और दूसरों को भी प्रेरित करें, इससे प्रदूषण नहीं होगा। सरकार तो पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक आम नागरिक अपना कर्तव्यों को नहीं निभाएगा तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो आज सबसे रिक्वेस्ट है सुनने वालों से कि हम पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान देंगे, संरक्षण करेंगे पौधों का, और एक पौधा जो भी लगाएंगे उसकी हम देखभाल उसी तरीके से करेंगे जिस तरह अपने पुत्र और पुत्री की करते हैं। तो प्लास्टिक का और पॉलीथीन का उपयोग बंद करें और इसके बदले हम कागज़ के बने झोले या थैले का उपयोग करें। देखिए कई बार लॉज भी आते हैं, नियम भी आते हैं, लेकिन कभी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा हमारी संकल्पना पूरी नहीं हो पाएगी, पूरे पृथ्वी की संकल्पना पूरी नहीं हो पाएगी। हमें थैलों का यूज़ करना है, प्लास्टिक को बंद करना है। प्लास्टिक ना केवल हमको नुकसान करती है बल्कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने का काम कर रही है। पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखें, नज़दीक काम के लिए साइकिल का यूज़ करें। साइकिल न केवल हमारी हेल्थ बनाएगी बल्कि पर्यावरण को भी क्या करती है, योगदान देती है। प्रदूषित नहीं होगा हमारा पर्यावरण और हमारा स्वास्थ्य भी बना रहेगा। दो फायदे हैं, हमारी हेल्थ भी बनी रहेगी और हमारा पर्यावरण भी सेफ रहेगा। तो विश्व पर्यावरण पर दिवस पे हम ये कोशिश करें कि पीपल है, हल्दी है, बहुत सारे पौधे हैं जिनको हम लगाएं जो और आने वाली पीढ़ी के काम आ सके। तो पीपल के अलावा कौन कौन से वृक्ष रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं, मैंने आपको बताया कि पीपल का एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। धार्मिक मान्यता तो है ही है पीपल के वृक्ष के साथ, लेकिन वैज्ञानिक मान्यताएं भी बहुत हैं। वैज्ञानिकों ने जो बताया वो पूरी तरीके से प्रूफ करके बताया कि हमारे जो गंदी हवा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और हमें ऑक्सीजन हमें लेना है, तो पौधे हमें क्या कर रहे हैं, हमें मदद कर रहे हैं। तो आप हर दिन में जितनी भी ऑक्सीजन लेते हैं, आपके जितने भी शरीर को ज़रूरत होती है, सब की सब ये पर्यावरण पूरी कर सकते हैं अगर पर्याप्त मात्रा में पौधे लगे हों। आप घर पे स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए अपने घर पे, पार्कों में या सड़कों के किनारे आप इस पौधे को लगा सकते हैं। आइए आज हम जानें कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो लगातार ऑक्सीजन देते हैं और जिन्हें हम घर पर आसानी से लगा सकते हैं।
पहले हम आपको कुछ बात बता दें कि रात को भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़ पौधे, ये सबको पता है कि रात को भी पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन में तो वो दे ही रहे हैं, रात में भी ऑक्सीजन लगातार छोड़ रहे हैं। तो जो 8 पौधे रात को ऑक्सीजन देते हैं उनका पहला नाम मैं लेना चाहूँगी एलोवेरा। एलोवेरा का नाम याद आता है तो लोग ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करते हैं, दवाइयों के लिए काम आता है, लेकिन ये सेहत के लिए लाभदायक होता है। साथ में ये क्या करता है कि रात में ऑक्सीजन देने का काम करता है और रात के समय आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध भी रखता है। तो आप देख सकते हैं कि जिस पौधे को अभी तक हम केवल ब्यूटी प्रोडक्ट मान रहे थे वो भी वातावरण को साफ रखने का काम कर रहा है, ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। पौधा आसानी से गमलों में लगाया जा सकता है, तो क्यों ना हम पौधों को लगाएं और उनकी इम्पोर्टेंस को समझें। तो दूसरा पौधा जो मैं नाम लेना चाह रही हूँ स्नेक प्लांट है। अब बात है स्नेक प्लांट की, तो बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है जिसकी पत्तियाँ जो सांप की तरह लहरेदार होती हैं, इसीलिए इसका नाम भी स्नेक प्लांट रखा गया है। पौधा आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाएगा, रात में ऑक्सीजन और हवा को शुद्ध रखने का काम करेगा। ये भी पौधा आप आसानी से अपने गमले में लगा सकते हैं। घर को जो पौधे आप लगा रहे हैं ये केवल आपको ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं बल्कि आपको मन को शांत कर रहे हैं, और आपके मन जब आपका शांत रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, तो आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो केवल आप अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए आप वेलफेयर का काम कर रहे हैं अगर आप प्लांट्स को लगा रहे हैं और उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो तीसरा पौधे का जो मैं नाम लेना चाहूँगी वो नीम का है पौधा। नीम के पेड़ जो होते हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं उसके गुण। तो नीम का पेड़ आप इसकी धार्मिक मान्यता है 22 घंटे लगभग ऑक्सीजन देता है। इसके पत्ते चबाने से हमारा ब्लड साफ हो जाता है। पत्तियों को पानी में अगर लोग नहाते हैं तो शरीर की बीमारियां जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और आपको अगर पता हो तो प्राचीन समय में लोग इसके पेड़ के शाखाएं जो होती हैं छोटे छोटे ब्रांच उनके दातून से दांत साफ करते थे, जो कभी जिनसे हमारे दांत ख़राब नहीं होते थे। आज तरह तरह के केमिकल्स वाले आ गए हैं और दांत ख़राब हो रहे हैं, लेकिन नेचुरल जो चीज़ें थी वो भूलते जा रहे हैं। तो चाहे दिन हो चाहे रात हो ये पेड़ ऑक्सीजन देने का काम करता रहता है, लगभग 22 घंटे ऑक्सीजन देता है। सड़क के किनारे पार्कों में पौधा पेड़ आसानी से लगाया जा सकता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने लिए नहीं बल्कि आपको सबके लिए पौधों को लगाना है और उनको बचाना है। नेक्स्ट जो पौधे का नाम ले रही हूँ वो तुलसी जी का पौधा है, और तुलसी जी के साथ धार्मिक मान्यता तो है ही है। लोग इसको प्रसाद में लेते हैं और अगर चाय में डालते हैं तो आपकी आप क्या करते हैं, तुलसी के पत्ते चबाने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है, खांसी है जुकाम है इस तरह की छोटी बीमारियों के लिए भी पौधा काम आता है। तो एक औषधि पौधा होने के साथ ऑक्सीजन भी लगातार दे रहा है और घर पर आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, पौधा बहुत फ़ायदेमंद है। तो नेक्स्ट जो है पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ मैंने अभी बताया कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और हिंदू धर्म में धार्मिक मान्यता के साथ इसे जोड़ा गया है, लेकिन वनस्पति विज्ञान और आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार ये पीपल का पेड़ जो है कई तरीके से फ़ायदेमंद है और लगातार ये ऑक्सीजन देता ही रहता है। तो इस वृक्ष को भी आप सड़क के किनारे और पार्कों में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कई बार हमारे घर में नेचुरल रूप से पौधा निकल आता है तो आप उसको वेस्ट मत करिए, उसको सड़क के किनारे और पार्कों में लगाइए। नेक्स्ट जो है वो आप देख रहे हैं पौधे का नाम ऑर्किड, और ये भी पौधा कई गुण होते हैं, बहुत खूबसूरत पौधा होता है, आँखों की खूबसूरती के साथ ही वातावरण को भी शुद्ध रखता है और ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो आप देख रहे हैं कि तरोताज़ा हवा भी दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं और आपकी हेल्थ को भी बढ़ा रहे हैं, सुख शांति भी दे रहे हैं, और घर पे आसानी से पौधा आप गमले में लगा सकते हैं। तो क्यों ना इन पौधों को लगाएं और घर की खूबसूरती के साथ अपने घर में स्वच्छ ताज़ी हवा और ऑक्सीजन की जो लेवल है उसको पूरा करें। नेक्स्ट है ऑरेंज ग्रेबरा का पौधा। ये भी लोग प्रोडक्ट के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसका बड़ा गुण है कि ऑक्सीजन भी देता है और शुद्ध हवा भी करता है, और ये पौधा देखने में तो बहुत खूबसूरत होता ही है और बहुत आसानी से गमलों में लगाया जा सकता है। उसके बाद क्रिसमस कैक्टस, ये भी एक ब्राज़ील का पौधा है, और आप देख रहे हैं सपाट चौड़े दांतों वाला, खंडों की शाखों वाला होता है, फूलों की तरह होता है, आमतौर पर लाल या गुलाबी रंग का होता है, जिसकी बाहरी पंखुड़ियाँ होती हैं, और इसकी आप खासियत है कि ऑक्सीजन तो दे ही रहा है, खूबसूरती भी बढ़ा रहा है, हवा को तरोताज़ा कर रहा है। तो आपने मैंने देखा कि मैंने कुछ पौधों के आपको नाम बताए, पेड़ों के नाम बताए, जिनको आप लगाकर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को मात्रा बढ़ा सकते हैं। और आज हम विश्व पर्यावरण दिवस पर एक छोटा सा संकल्प लें कि अगर हम अपने घर में 18 गमलों में भी कुछ खास पौधे लगा लें तो हम 1800 वर्ग फीट की हवा को तरोताज़ा कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ,
ये साइंटिस्ट हैं, नासा के वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर बी सी वॉल्टन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था और इस रिपोर्ट को नाम दिया था क्लीन एयर स्टडी रिपोर्ट। तो कुछ खास पौधे ना केवल प्रदूषण से लड़ते हैं बल्कि ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं और ये पौधे आप आसानी से ड्राइंग रूम में, बेडरूम में लगा सकते हैं। ऑक्सीजन पैदा करने वाले पौधे जो और भी इन्होंने बताए, ताड़ अंकुरण वाले पौधे और चंदन। ताड़, इसे किचन किंग प्लांट भी कहते हैं, ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन व टोल्यून को साफ़ करता है। अगर घर में 4-5 पौधे लगाते तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी और हफ्ते में एक बार इसकी पत्तियों पे जमी धूल आपको साफ़ करनी पड़ेगी, पत्तियाँ जल्दी गंदी हो जाती हैं और देखने में फिर अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये पौधा अगर आप घर पे ना लगा पाएँ, आपके पास इतनी जगह नहीं है, तो आप इसे भी पार्कों में और सड़क के किनारे लगाया जा सकता है, बहुत आसानी से लग जाता है। अंकुरण वाले पौधे अपने घर के गमलों में लगा सकते हैं। मटर, कुट्टू के दाने और सूरजमुखी के पौधे देखने में भी खूबसूरत होते हैं और इसे आप ग्रीन हाउस बना सकते हैं और इन अंकुरित दानों को खाने से आपको भरपूर ऑक्सीजन भी मिलेगी। पौधे भी दे रहे हैं और खाने से भी आपको ये क्या कर रहे हैं, अंकुरित दाने से भी आपको क्या हो रही है, आपको एक हेल्दी बॉडी दे रहे हैं, एक स्वस्थ शरीर का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं जो आपको बताना चाहूँगी, चंदन रात में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीजन पैदा करता है। सारे का सारा ये ऑक्सीजन छोड़ता है, तो इस ये औषधि पौधे के साथ साथ ऑक्सीजन देने का भी काम कर रहा है। तो प्रदूषण से जो लड़ रहे हैं, पॉल्यूशन से लड़ने वाले टॉप 3 जो पौधे हैं जिनको आप आसानी से लगा सकते हैं अपने घर में, गुलमोहर, ड्रेसिना, नरगिस भी हैं। गुलमोहर ये मौजूद हवा में मौजूद बेजीन और एक्सिलीन जैसे तत्वों को साफ करता है। अगर आपके पास घर में इतनी जगह नहीं है तो आप सड़क के किनारे, पार्कों में, अपने घर के बाहर भी इन पौधों को लगा सकते हैं। ज़्यादा पानी से नुकसान होता है, ये सीधी रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो देख रहे हैं पौधे लगाना, बहुत इन पौधों की केयर बहुत ज़्यादा नहीं करनी। ड्रेसिना बहुत घर में आसानी से लगाया जा सकता है, छोटा सा प्लांट है। दो तरीके के होते हैं, ड्रेसिना महात्मा और ड्रेसिना केदारनाथ। ये पौधा भी बेजीन और ऑक्सीलिन जैसे हानिकारक तत्वों को प्रदूषित हवा से हटाने का काम करता है। नरगिस इस शेड के अंदर आसानी से लगाया जा सकता है, सप्ताह में से एक बार पानी की ज़रूरत है। देख रहे हैं कितना कम पानी लग रहा है और ये प्रदूषित चीज़ों को हटा देता है और ऑक्सीजन को देता है। तो आइए हम अपने घर को ही ग्रीन हाउस बनाने के साथ अपने ऑफिस को भी ग्रीन हाउस बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर जब हम अपना समय ऑफिस में बिताते हैं तो हमारे सर में दर्द होता है, कंप्यूटर पे काम करते हैं, थकान होती है। तो अपने कंप्यूटर सिस्टम के आसपास हम कुछ ऐसे गमले लगाएं जो हमें ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं, जो आसानी से लग जाते हैं। जैसे मैंने अभी मनी प्लांट का नाम लिया, जरबेरा का नाम लिया, जूही का नाम लिया, स्नेक प्लांट का नाम लिया, ये आसानी से, एलोवेरा का नाम लिया, आप अपने ऑफिस में लगा सकते हैं। और ये न केवल आपके ऑफिस की खूबसूरती बढ़ाएगा बल्कि हवा को तरोताज़ा करेगा और ऑक्सीजन देने का काम करेगा। तो इस पर लॉज भी बनाए गए हैं, उस लॉज को हम पढ़ दें। हिंदी इंग्लिश दोनों में स्लाइड है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, 19 नवंबर 1986 को। इसमें 3 चीज़ें शामिल की गई हैं, वाटर, एयर, लैंड। और कहा गया कि ह्यूमन, प्लांट्स, मार्को ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग मैटर, सभी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं जो ज़रूरी हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने निकाले हैं कि ये क्या करेगा कि पर्यावरण की गुणवत्ता को संरक्षण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस एक्ट में बताया गया पॉल्यूशन को रोका जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा और सभी अधिकारी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी कोऑर्डिनेट मिलकर काम करेंगे। देखिए, लॉज बनाने से केवल काम नहीं होगा जब तक आम नागरिक उन लॉज को फॉलो नहीं करेगा। तो एक्ट बहुत पहले आ चुका है लेकिन आज भी हमारा पर्यावरण प्रदूषित क्यों है, इसलिए है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। जिस दिन हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो आप यकीन मानिए एक ऐसी चेन बन जाएगी जो कभी भी नहीं टूटेगी और ये लगातार हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ ऑक्सीजन देने का काम भी करेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस चीज़ को समझा गया और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आर्टिकल 15(1)(a)(g) में से शामिल किया गया। इंग्लिश हिंदी दोनों में स्लाइड है। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की जाएगी और सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखा जाएगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी दिया गया राज्य के नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 48A, ये भी हिंदी इंग्लिश में है। पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा, सुधार किया जाएगा और वन्य जीवों की रक्षा की जाएगी। राज्य पर्यावरण की रक्षा की करेगा, वनों को लगाने का प्रयास किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वनों को सुरक्षा करने का काम किया जाएगा। फॉरेस्ट एक्ट भी पूरा है और वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं वो भी पर्यावरण का ही एक भाग है। तो पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलके मिला, परि प्लस आवरण, चारों तरफ से घिरा हुआ। तो आज इसका आवरण हटता जा रहा है, लेयर हटती जा रही, जिस वजह से हमें इतना नुकसान हो रहा है। जिस दिन हम इस लेयर को बचाने में कामयाब होंगे, आप यकीन मानिए हम अपने भावी पीढ़ी को एक बहुत अच्छा उपहार देंगे। तो सेव ट्री, सेव अर्थ। तो अगर
आपको लगता है कि मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लगी हों तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं कुछ एक बार फिर से कुछ प्लांटों के नाम बताना चाहती हूँ कि ये मनी प्लांट, एरिका पॉम, तुलसी, एलोवेरा, पीपल, नीम, बरगद, फाइकस, स्नेक प्लांट, बाबू प्लांट, जरबेरा, जूही, आप इन पौधों को लगाकर, इन पेड़ों को लगाकर आप वातावरण में योगदान दे सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन अगर हम किसी भी, चाहे हमारा जन्मदिन हो, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, कोई भी अच्छा दिन हो, तो हम पेड़ पौधों के लिए योगदान कर पा सकते हैं कि हम क्या करें, एक नई परंपरा चलाएं, नया ट्रेडिशन चलाएं कि हम एक छोटा सा प्लांट गिफ्ट करें। ये प्लांट, छोटा सा प्लांट आपको देखने में लग रहा है, लेकिन इसके पीछे जो भावना जुड़ी है वो बहुत बड़ी है। ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा, स्वच्छ वातावरण रखेगा, और जो भी व्यक्ति वृक्षों को लगा रहा है, दे रहा है, गिफ्ट कर रहा है, उसका मन भी शांत रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें अब भावी पीढ़ी के लिए काम करना है और हर तरीके से पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान करना है। तो 5 जून के अलावा इन्हीं केवल हम दिन हम नहीं एक डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन रोज़ हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है। नियम कानून तभी सफल हो पाएंगे जब आम आदमी इनको समझेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि 2021 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है। 2021 के पर्यावरण दिवस की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। हर साल कोई ना कोई देश क्या करता है, इसकी मेज़बानी करता रहता है। हर साल जब मनाया जाता है तो मेज़बानी हर कंट्री को अलग अलग बार मिलती है। तो अब की बार जो 2021 का विश्व पर्यावरण दिवस है वो पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है, और अब की बार की जो थीम है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से बोल दूँ, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन थीम है। तो प्लीज़ अपना कंट्रीब्यूशन करिए। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, उठो चलो अब जागो, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने से लोगों को रोको। आपके आसपास कुछ लोग जो पौधे काट रहे हैं, ग्रीनरी काट रहे हैं, उनको रोकिए, उनको समझाइए, उनको उसका महत्व बताइए, और बताइए कि भावी पीढ़ी और हम सुरक्षित तभी तक हैं जब तक हमारे पर्यावरण हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं। जिस दिन ये समाप्त हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है और उसमें अपना योगदान देना है। आज संकल्प लेते हैं कि चाहे हम एक पौधा लगाएं, लेकिन उस पौधे की देखभाल उसी तरीके से करें जैसे अपने बच्चों की करते हैं। तो क्यों ना हम उस काम को करें जिस काम में सबको, हमको और समाज को, देश को, सबको खुशी मिले। तो इसी आपको मैसेज के साथ कि आप इस संकल्प को दोहराएंगे और पर्यावरण में अपना योगदान देंगे, तो विश्व पर्यावरण दिवस की सभी को हार्दिक बधाई। और हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए केवल लॉज बनाने से नहीं चलेगा, अपनी जिम्मेदारियों का पालन भी करना पड़ेगा। तो थैंक यू।